मैं डॉक्टर मनीष डूडी, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के VPY 2019 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आपके पास, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, ये NCERT से ऐसा का ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जिसमें अपन देखते हैं कि किसका हेक्सामर है, कौन सोडियम मेटाफॉस्फेट का हेक्सामर लिया गया है, इसको किस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, इसको कैलरीफिकेशन की प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। इसलिए आंसर आ जाएगा अपने फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन एस ब्लॉक से लिया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि एल्कली मेटल किस लिक्विड अमोनिया में कौन सी डिजोल्व होकर क्या बनाती हैं। इसमें डायरेक्ट है कि एल्कली मेटल का IP कम होने के कारण क्या होता है, ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत मेटल का निर्माण करते हैं। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। ये MOT थ्योरी से है। इसके लिए आप एक विशेष चीज़ देखिए, अगर अपने पास ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक नज़र आता है अपने को, और अगर अपने पास एवन नंबर में इलेक्ट्रॉन हो तो अपने को डायमैग्नेटिक नज़र आता है। इसके लिए अपन देखते हैं कि इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें अपन 10 and 16 को काउंट करेंगे और इसमें अपन 10 and 16 को काउंट नहीं करेंगे। तो इस बेस पर अपन देखते हैं कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हुए कितने, 15 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हुए कितने, 17 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हुए अपने पास 16 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हुए अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 15 वाला कैसा नज़र आएगा अपने को, पैरा मैग्नेटिक नज़र आएगा। 17 वाला अपने को कैसा नज़र आएगा, पैरा मैग्नेटिक नज़र आएगा। 16 वाला अपने को कैसा नज़र आएगा, पैरा मैग्नेटिक नज़र आएगा। परंतु अपने को 18 वाला कैसा नज़र आएगा, डाया मैग्नेटिक नज़र आएगा, क्योंकि अपने जो ट्रिक बनाई हुई है, क्या ऑड इलेक्ट्रॉन में जब भी आएंगे तो पैरा मैग्नेटिक होगा, किसको काउंट करके, 10 and 16 को काउंट करके, और इवन नंबर में डाया मैग्नेटिक नज़र आएगा 10 and 16 को छोड़कर। सो अपना आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पर है, केमिकल बॉन्डिंग से दिया गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन पूछ रखा है किसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। CO2 में अपन देखें SP से किसमें जा रहा है, ये SP2 में जा रहा है, और यहाँ पर अपन देखें तो ये अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, SP2 से ये SP3 में मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ देखें अपन SP3 से SP3 में मूव कर रहा है, और यहाँ पर अपन देखें क्या कि SP3 से SP3D में मूव कर रहा है। तो किस पॉइंट पर अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, तीसरे में SP3 से SP3 में ही रह रहा है, तो आंसर आया अपना थर्ड। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। इसमें अपने को दिया गया है कि कंपाउंड कैसा है, MX4Y2 है, इसने के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होते हैं। तो अपन देखते हैं, अपन अरेंज करते हैं यहां वाई 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 वाई, और ऊपर और नीचे एक्स एंड एक्स। ये कंडीशन जो बनती है ये ट्रांस कंडीशन बनती है, क्योंकि इसमें क्या एक्स एक्स ऑपोजिट है, जब 180 पर आते हैं तो इसको ट्रांस कंडीशन बोलते हैं। इसकी एक कंडीशन और बन सकती है, कौन सी है वो, ये देखिएगा, एक्स एक्स वाई 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 और ये वाई, इसको बोलते हैं सिस कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अपने पास कितने, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और इन दोनों में ही एक्विरियल कार्बन है, क्योंकि इनको दोनों को इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए अपना आंसर आ जाएगा सेकंड, कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या हो गया, क्विरियल कार्बन, दोनों में क्विरियल कार्बन। नेक्स्ट प्लीज। ये क्वेश्चन NCERT से लिया गया है, ऐसा का ऐसा। इसमें डाटा दिया गया है NCERT में कि कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.143, और ये डाटा दिए गए हैं। ऐसा डाटा सेम टू सेम किस में मिलता है, फुलरीन में होता है। ये क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन सा कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, किसमें, मॉल्ट स्टेज में, पर सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका सेम टू सेम ये दिया गया है जो आयनिक सॉलिड। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है कि कौन सा PPT देगा, कैसे देगा, तो इसके लिए आइसोमर बनाने हैं अपने को। अपने को देखना है, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्स है वो AZNO3 के साथ वाइट PPT देता है, Y है वो BaCl2 के साथ वाइट PPT देता है, AgCl के साथ वाइट PPT, AZNO3 के साथ वाइट PPT किससे मिलती है, AgCl से मिलती है, जबकि BaCl2 के साथ वाइट PPT BaSO4 से मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अपने को आयन कौन सा मिलेगा, सल्फेट, और यहाँ आयन कौन सा मिलेगा अपने को,
क्लोराइड आयन मिलेगा, तो अपने को आइसोमर जो बनाने हैं वो कौन से बनेंगे, कोबाल्ट NS3 का होल 5, फर्स्ट में अपन बात करें SO4, और यहाँ पर कौन आएगा Cl, सेकेंड में अपन बात करें NS3 होल 5 Cl SO4, इस जगह से अपने को कौन सा आयन मिलेगा Cl आयन, इस जगह से अपने को कौन सा आयन मिलेगा सल्फेट आयन, तो फर्स्ट X क्या हो जाएगा अपना ये, और Y क्या हो जाएगा अपना ये, तो अपने इन दोनों में कौन से आइसोमेरिज्म आ जाएगी, इन दोनों में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगी। ये क्वेश्चन एस ब्लॉक का है, इसमें ये पूछा गया है कि सॉल्यूशन की पीएच इन NaCl से क्या एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो इसका क्या होता है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इसमें अपने को क्या होगा NaOH मिलेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा पीएच इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अपना आंसर आ जाएगा इंक्रीज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है, इसमें अपने को ये देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है। फर्स्ट ऑप्शन के अलावा अपन बात करें K3FeCn का होल 6 एंड K3CoF6, इसमें अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट की, इसकी प्लस 3 है एंड इसकी भी प्लस 3 है। Fe+3 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि कोबाल्ट प्लस 3 में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल रखता है, जिनमें से अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास आएंगे 5, और इसमें अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ होने के कारण ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 1, और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास 4, तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक हो गए, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। मायसेल्फ आरसी देवीवाल, हम केवीपीआई 2019 के ऑर्गेनिक वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, स्टेज फर्स्ट वाले पार्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये एग्जांपल है हेलोफॉर्म रिएक्शन का, एक्वस NaOH दिया हुआ है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल जो है NaOH में से OH- कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा OH और CbR3। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस इस डायरेक्शन में मूव होंगे, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर हो जाएगा, इधर बन जाएगा PHCOH प्लस CbR3-। ये एसिड की तरह व्यू कर रहा है, ये बेस की तरह व्यू कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा PHCO-Na+ और CHBr3। दिस इज ब्रोमोफॉर्म एंड दिस इज सोडियम बेंजोएट। Due to this, final answer is second. इसमें पूछा है among the following, कुछ compounds आपको दिए हुए हैं, the compounds which can undergo an SN1 reaction in aqueous solution, polar protic solvent की बात की है, और SN1 reaction कौन प्रदर्शित करेगा उसके लिए बात की है। तो पहले हम SN1 type of substitution reaction है, तो इस compound की बात करते हैं, तो यहां पर ये रेजोनेंस के कारण ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, यहां ब्रिज पोजीशन पे कार्बोकेटाइन की एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए ये शो नहीं करेगा, यहां हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, थर्ड में भी हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो जो सेकंड कंपाउंड दिया हुआ है Br, ये 3° कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि स्टेबल है, थर्ड जो है वो कंपाउंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से स्टेबल हो रहा है, जहां OME का प्लस R इफेक्ट काम कर रहा है, इसका प्लस R लगेगा, तो इन दोनों ही केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, इंटरमीडिएट बनेगा, इसलिए इन दोनों में पॉसिबल है, यहां और यहां
कार्बोकेटाइन की एग्जिस्टेंस ना के बराबर है, ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहां आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक कंपाउंड दिया है, एक्सेस में डाइबल दिया है, यू नो डाइबल जो है वो एन रिड्यूसिंग एजेंट है, और डाइबल का मीनिंग है यहां पे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसकी स्ट्रक्चर डाई आइसोब्यूटाइल CH3CH CH2, ये बोरोन CH2 CH3 CH3 एल्यूमिनियम और ये H, दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूस करेगा, साइनाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करता है और एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी, कंपाउंड जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है CO CH2 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो डाइबल जो है उसका H माइनस रिएक्ट करेगा, तो इधर पॉसिबिलिटी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये सब्स्टिट्यूशन होकर OET ग्रुप बाहर हो जाएगा। H माइनस इस पे भी अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है, उस साइड आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया, इधर आपके पास सी डबल बॉन्ड एन एच, ये इमीन फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो गया। उसके बाद आपको दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो इस ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा दोनों ही तरफ एल्डिहाइड जनरेट हो गया, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप में चला गया और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप में चला गया, देन फाइनल आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा है द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दो कंपाउंड दिए हुए हैं, कायरल कंपाउंड है, कायरल सेंटर के अराउंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन होता है, तो यहां पे हम इनका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करने के लिए CIP रूल की हेल्प लेंगे, पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो आपको दिया हुआ है H, ये CH3 CH2SH और यहां दिया हुआ आपको CH2OH। प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, हायर एटॉमिक गेट्स हायर प्रायोरिटी, कार्बन कार्बन फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड एटम से प्रायोरिटी डिसाइड होगी, एक नंबर इसको मिलेगा, दो नंबर इसको मिलेगा, तीन नंबर इसको और फोर नंबर इसको। उसके बाद रोटेशन चेक करेंगे, तो 1 2 3 रोटेट हुआ में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन में आर कॉन्फिगरेशन आता है, बट हमें पता लग रहा है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अबाउ द प्लेन है, तो जो आएगा उसका रिवर्स आंसर होगा, इसलिए इस कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन होगा वो एस होगा। सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे H ग्रुप लगा हुआ है CH2SH एंड CH3। उसी वैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ऑक्सीजन एक नंबर पे आएगा, ये दो नंबर पे, ये तीन नंबर पे, ये चार नंबर पे। रोटेशन चेक करेंगे तो 1 से 4 की तरफ रोटेट होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होंगे, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो जो है वही रहेगा, आर रोटेशन बता रहा है तो आर ही इसका आंसर होगा, तो एक का एस आएगा दूसरे का आर आएगा, इसका मतलब आंसर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये पॉलीमर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, नायलोन 2 एंड नायलोन 6 इज ए को पॉलीमर ऑफ 6 एमिनो हेक्सोनिक एसिड। एक मोनोमेरिक यूनिट आपको बताई हुई है, दूसरा मोनोमेरिक यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी यूनिट से इस पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, तो ग्लाइसिन वेलिन एलानिन और ल्यूसिन दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये ग्लाइसिन से फॉर्मेशन होता है और ग्लाइसिन जो होता है वो NH2 ये CO HCH2 और ये NH2, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। इधर आपको दिया हुआ है 6 एमिनो हेक्सोनोइक एसिड, तो HNH2 CH2 ये 5 टाइम्स आ जाएगा COH। आगे एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, तो यहां से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये H2 बाहर हो गया, इधर से ये आगे कंटिन्यू चलेगी रिएक्शन, तो इधर से भी H बाहर हो जाएगा और इधर से भी H बाहर हो जाएगा, तो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा पॉलीमराइजेशन के बाद NH CH2CO NH CH2 5 एंड CO
दिस वाली यूनिट रिपीटिंग यूनिट होगी जो बार बार रिपीट होगी। यहां से दो कार्बन है इसलिए नायलोन टू, इधर सिक्स कार्बन है इसलिए नायलोन सिक्स, तो इसका मतलब आंसर इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट, यहां बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन दोनों का मिक्सर दिया हुआ है। बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी जब भी चेक करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, कि लोन पेयर इजीली कहां अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ये वाला कंपाउंड है CH2 CH2 NH2। यहां लोन पेयर जो है वो अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज नहीं हो रहे, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सेकेंड कंपाउंड में बात करें तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए इनको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ये। अगर थर्ड कंपाउंड की बात करें तो थर्ड कंपाउंड में भी NH2CH3, यहां भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो यहां भी डीलोकलाइज हो रहे हैं। फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो फोर्थ कंपाउंड में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, तो यहां भी डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो यहां से ये हमें पता लगा कि फर्स्ट कंपाउंड में नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहे, ये अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, बाकी इन तीनों में डीलोकलाइज हो रहे हैं। अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे कमिंग प्रोटॉन के लिए, इसलिए मोस्ट बेसिक जो कंपाउंड होगा वो फर्स्ट वाला मोस्ट बेसिक होगा। यहां भी डीलोकलाइज हो रहा है, यहां भी डीलोकलाइज हो रहा है, यहां भी डीलोकलाइज हो रहा है। यू नो कि बेसिसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। तो अगर हम यहां बात करें तो CH3 का प्लस एच लगेगा और प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, NO2 का माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, जबकि यहां ये सिंपल है जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो सबसे मोस्ट बेसिक तो फर्स्ट होगी, उसके बाद प्लस एच वाली जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो थर्ड आ जाएगी, उसके बाद जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ वो आपका कंपाउंड है सेकंड, और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बेसिसिटी, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, इसका मतलब सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये पार्ट सेकंड में जो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक का पार्ट है उनको वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे थे, अब ये सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्म्स ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट व्हेन सब्जेक्टेड टू फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट है, बट इस टेस्ट की एक खासियत है कि फेलिंग टेस्ट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं शो करते हैं। तो रिएक्शन बोला है, सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन करवाई है COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 से। यू नो ये रिएक्शन है गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, जहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करते नहीं है, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करें तो डाइथाइल कैडमियम की रिएक्शन कराई है एसिटिल क्लोराइड से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड आपको दिया हुआ है डाइथाइल कैडमियम, तो ईटी जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ईटी माइनस यहां से अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव होंगे और सीएल बाहर हो जाएगा, तो यहां फॉर्मेशन हुआ कीटोन का। तो मैंने पहले बोला कि ये टेस्ट है एल्डिहाइड का, तो कीटोन भी ये टेस्ट शो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन में आपको पहले दिया हुआ है COH ग्रुप है PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और ये बन जाएगा COCl और CH3। आगे आपको दिया हुआ है H2PdBASO4, वेल नोन रिएक्शन है रोजन मून रिडक्शन इस रिएक्शन का नाम है, और यहां भी एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा और वो भी एल्डिहाइड जो बनेगा वो एरोमेटिक बनेगा, तो ये वाला कंपाउंड भी ये टेस्ट शो नहीं करेगा। तो ये तीनों कंपाउंड रेडिश ब्राउन नहीं दे रहे,
लेट्स चेक, हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये देगा या नहीं देगा। तो फोर्थ ऑप्शन में आपको एथीन दी हुई है, एल्कीन दी हुई है, तो यहां ओजोनोलाइसिस करवाया है और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोन तो पहले ओजोनाइड बनेगा उसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से डायरेक्ट हम इस वे से करते हैं रिएक्शन को, डबल बॉन्ड ओ और यहां ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को शो करता है, दैट मींस करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, अलग अलग सीक्वेंस दी है और पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं। एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एसाइलेशन और ये ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो इस वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन कराई है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से, यू नो दिस इज मिक्स्ड एसिड और रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन, जिसका इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, NO2+ रिंग पे कहां अटैक करेगा वो डिसाइड करेगा ये ग्रुप, इसका प्लस आर काम कर रहा है, प्लस आर का मतलब ये हुआ कि दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, और अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव तो NO2 ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, बट मेजर प्रोडक्ट की बात आएगी क्योंकि रिएक्शन में पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट से बात की है, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा क्योंकि यहां रिपल्सन मिनिमम होगा, इसलिए यहां जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एन एच सी ओ सी एच थ्री और ये NO2। यहां से यहां जो सीक्वेंस आई है वो नाइट्रेशन है, वो भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH मतलब इस कंपाउंड का एक्वस NaOH हाइड्रोलाइसिस करेगा बेसिक मीडियम में, तो हाइड्रोलाइसिस में ये ग्रुप यहां से ब्रेक हो जाएगा H और इधर OH, इधर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है बट रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो ये सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब ये बन जाएगा CH3CO- Na+ और उधर वापस से एनिलीन ग्रुप जनरेट हो जाएगा NH2 और ये NO2। तो फाइनल प्रोडक्ट ये वाला अपना Z है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अपना Y है और ये वाला प्रोडक्ट है वो X है। इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन को चेक करें तो X ये आ रहा है, Y ये आ रहा है, Z ये आ रहा है, दैट मींस करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, वापस कन्वर्जन का इक्वेशन है, द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर, बाकायदा एनसीईआरटी से बिलोंग हो रहा है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन एजिट दिया हुआ है, तो यहां बेंजीन की रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ओलियम से करवाई है, ओलियम मतलब H2H2O7, हमें पता है कि ये रिएजेंट सल्फोनेशन करता है, तो फर्स्ट सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के बाद NaOH दिया है, दिया है, तो सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, उसके बाद रिएक्शन करवाई है NaOH से, तो NaOH में OH माइनस SO3H ग्रुप को बाहर करेगा, तो यहां जो बनेगा आपके पास फिनोल बनेगा, बट फिनोल जो है वो बेसिक मीडियम में फिनोक्साइड फॉर्म में रहेगा, बेसिक मीडियम आपको दिया हुआ है तो ये तुरंत यहां से H ले लेगा और ये फिनोक्साइड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद दिया है हाइड्रोलाइसिस, यहां से H प्लस सप्लाई हो जाएगी और ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो वाला प्रोडक्ट है अक्स। इसके बाद रिएक्शन करवाई है वापस से NaOH से, सेकंड दिया है CO2 और थर्ड दिया है हाइड्रोलाइसिस, नेम रिएक्शन है, वेल नोन रिएक्शन है, कोलबी रिएक्शन नाम है रिएक्शन का, ये कोलबी रिएक्शन का एग्जांपल है, CO2 इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आने वाला है वो OH और ये COH, सेलिसाइलिक एसिड इसका फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है, दैट मींस करेक्ट आंसर जो आएगा वो इसका, इसने पूछा है एक्स एंड वाई मतलब सेकंड। थैंक यू। माई सेल्फ विनय यादव, सीएलसी सीकर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मैं आप लोगों के साथ
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का KVPY 2019 का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो इस बार KVPY 2019 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, उनको आपके साथ शेयर करता हूं उनका सॉल्यूशन। यहां पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है दैट इज रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। आपको हेनरीज कॉन्स्टेंट दे रखा है सभी गैसेस के लिए, आपको आर्गन दे रखा है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मीथेन और आपको ऑक्सीजन, ठीक है। सभी की के एच वैल्यूज दे रखी हैं, दे आर व्हाट, दे आर 40.30, 1.67, 0.41 एंड 34.86। एज वी नो कि जो भी गैस होती है किसी भी लिक्विड के अंदर उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज फ्रॉम हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन टू द लिक्विड। तो जो अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के पार्शियल प्रेशर पे, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आपको जो है पूछा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है तो हमें सीधा कोरिलेट करना है कि जिसका के एच वैल्यू ज्यादा होगा उसका एक्स अमाउंट कम होगा, बिकॉज द प्रेशर इज वॉट कॉन्स्टेंट। ओके, सो वी आर सेइंग कि एक्स ऑफ गैस विल बी मोर फॉर विच द के एच वैल्यू इज लो। सो सबसे मिनिमम के एच वैल्यू किसका दे रखा है देख सकते हैं हम लोग, मीथेन के करस्पॉन्डिंग के एच वैल्यू क्या है सबसे कम है, तो सबसे सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, मीथेन की। फिर उसके बाद दूसरा आपको कार्बन डाइऑक्साइड का के एच दे रखा है, तो के एच वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की सेकेंड लोएस्ट वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे CH4 सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फिर उसके बाद CO2, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाएंगे दैट इज व्हाट फॉर ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज व्हाट थर्ड मोस्ट सॉल्युबल गैस एंड द लीस्ट सॉल्युबल इज आर्गन बिकॉज द वैल्यू ऑफ के एच इज हाइएस्ट फॉर आर्गन। ओके, सो ऑप्शन शुड बी व्हाट, थर्ड ऑप्शन शुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मल डिकम्पोजिशन, ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है हमारे पास। ट्वाइस ऑफ N2O5 गिव्स व्हाट 4NO2 प्लस O2, द करेक्ट स्टेटमेंट इज द ऑक्सीजन प्रोडक्शन। इस जो गिवन रिएक्शन है उसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ 1/2 डी ऑफ N2O5 बाई DT इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस विल बी द रिलेशन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑक्सीजन प्रोडक्शन रेट इज 4 times द NO2 प्रोडक्शन रेट। सो ऑक्सीजन प्रोडक्शन रेट इज बेसिकली द 1/4 times ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ NO2, सो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन रेट इज सेम एज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज दिस वन। नाउ वी नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन रेट इज सेम एज दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, दिस कैन नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 1/4 ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 1/4 ऑफ, दिस इज नॉट करेक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज बेसिकली द 1/2 times ऑफ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO2। सो द ऑप्शन 3 कैन ऑल्सो नॉट बी सिलेक्टेड, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 2x द ऑक्सीजन प्रोडक्शन रेट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 माइनस ऑफ डी ऑफ N2O5 बाई DT इज इक्वल टू, दिस इज द 2 times ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स का है, रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आपको पूछा गया क्वेश्चन। द प्रोडक्ट फॉर्मेशन फॉर द
प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा गया है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट जो होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज वी आर टेकिंग एनी रिएक्टेंट ए, ए गिव्स व्हाट प्रोडक्ट, सो डीएक्स बाई डीटी इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ ए, है ना। नाउ तो हम लोग ये ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सेइंग इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। नाउ सेकेंड इज वॉट द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ वी नो टी इज इक्वल टू वॉट 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स। अगर एक्स की वैल्यू ए नॉट बाई टू होती है तो ये हाफ लाइफ हो जाएगी, हाफ लाइफ हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू ए नॉट बाई टू पुट करने पे यहां पे वैल्यू आती है लॉग टू, लॉग टू इज बेसिकली 0.3010, सो दैट्स कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन के। सो टी हाफ इज 0.693 अपॉन के, दैट इज बेसिकली द 69.3% ऑफ 1 बाई के, नॉट के, सो दिस ऑप्शन will also not be selected. Third option, the dimension of Arrhenius pre-exponential factor, okay, so is what, reciprocal of time, Arrhenius equation is what, k into e to the power minus ea by rt, this a is basically what, this is the pre-exponential factor, this pre-exponential factor, and this is what, this is basically the fraction of effective collisions, so fraction of effective collisions is basically a number, so that will not have any unit, so the unit of A will become equal to what, unit of A will be unit of K, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के, एंड हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होती है भाई, यूनिट ऑफ के इज बेसिकली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, सो दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ओके, सो थर्ड ऑप्शन शुड बी द राइट। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट, हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज नॉट लीनियर, दैट इज एक्सपोनेंशियल, सो फोर्थ ऑप्शन भी अपन लोग डिस्कार्ड करेंगे। तो हम लोगों ने तीनों ऑप्शन पे डिस्कस किया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज फ्रॉम सॉलिबिलिटी ऑफ एन नॉन वोलेटाइल सॉल्ट इनटू द वाटर, उन्होंने अपन लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज रिलेटेड विद द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एक्वो सॉल्यूशन, है ना। तो एक्वो सॉल्यूशन सभी का हम लोगों को दे रखा है, दैट इज NaCl, दैट इज मिसप्रिंटेड NaCl एंड Na2SO4, K3PO4 एंड वी आर गिवन व्हाट, एसिटिक एसिड, है ना, ओके। एंड हम लोग जानते भी हैं कि भाई जो जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है डेल्टा टी बी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज आई इंटू के बी इंटू एम, है ना। हम लोगों को मोलरिटी सभी की इक्वल दे रखी है, दैट इज व्हाट, 0.001, 0.001, 0.001 एंड 0.001 फॉर एक्वस सोल्यूशन, वेरी डायल्यूट सोल्यूशन, मोलरिटी एंड मोलरिटी विल बी इक्वल, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे मोलरिटी सभी की इक्वल लेंगे। के बी इज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट, सो दैट्स वाई दिस टर्म इज सेम और कॉन्स्टेंट फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल सोल्यूशन, ओके, सेम फॉर ऑल सोल्यूशन। नाउ द फैक्टर डेल्टा टी बी इज डिपेंडिंग ओनली वॉट, आई फैक्टर इज डिपेंडिंग ओनली I, I is what? This is want of factor. We all know. तो want of factor जो होता है, want of factor that is basically for any dissociation of solute,
into the solution, that comes out to be 1 plus n minus 1 into alpha. Usually सारे हम लोगों को जो दे रखे हैं वो salt of strong electrolyte दे रखे हैं, तो हम सब सभी का alpha क्या लेंगे 100% except acetic acid. Acetic acid is a poor electrolyte, a weak electrolyte, so इसका alpha काफी कम होगा. तो जब हम लोग I की बात करेंगे तो I की जो वैल्यू होगी वो NaCl के लिए कितने होगी, सॉल्यूशन में कितने आयंस बनाएगा ये, दो, Na plus and Cl minus. Na2SO4 का I कितना होगा, 3. K3PO4 का क्या होगा आपका, 4. और CH3COH will be greater than 1 but smaller than 2, है ना. So I की वैल्यू greater than 1 तो हो जाएगी लेकिन very less than 2, है ना. तो I की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2 लाई करेगी. तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा I की वैल्यू आ रही है K3PO4 के लिए, है ना. तो सबसे ज्यादा एलिवेशन भी उसी में होगा, जिसका I ज्यादा होगा उसका डेल्टा T भी ज्यादा होगा. जिसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका क्या होगा, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा. सो आंसर शुड बी वॉट, हाइएस्ट इज K3PO4 देन Na2SO4 देन, सो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ऑप्शन के लिए हमें चेक ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड स्मॉलेस्ट होना ही चाहिए और K3PO4 हाईएस्ट होना ही चाहिए, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस एक्स ग्राम ऑन 1 ग्राम सॉलिड सबस्ट्रेट. हम लोगों को ये गिवन है कि एक्स ग्राम आपका एडजॉर्बेट दे रखा है और m ग्राम आपको क्या दे रखा है, दैट इज गिवन 1 ग्राम अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट. और हम लोगों को पता है कि जो भी गैस डिस्चार्ज होती है या एड्जॉर्ब होती है सॉलिड सरफेस के ऊपर, दैट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ गैस डिस्चार्ज ऑन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉलिड सरफेस और सॉलिड एड्जॉर्बेंट is directly proportional to the pressure of the gas root to the power 1/a, and that is what, Frenelich isotherm, adsorption isotherm हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, okay. और n की value जो होती है, that is what, n की value क्या होती है भाई, n की value लाई करती है अपनी जो है 1 से greater होती है ना. तो 1 और maximum जो है आपकी 1 और n के 0 के बीच में लाई करती है ना. तो 1 अपॉन n क्या होगा आपका, x बाई m की जो वैल्यू है, दैट इज व्हाट, अगर लो प्रेशर रीजन है हमारे पास, लो प्रेशर रीजन है, तो लो प्रेशर रीजन में आपका जो n का वैल्यू होता है, दैट इज, दैट अप्रोच इज टू 1, है ना. और अगर ये 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वी विल गेट व्हाट, x by m is directly proportional to the pressure. So as the pressure increases in low pressure region, the amount of gas adsorbed with the pressure increases with the straight line slope, okay. But as the pressure increases, the things are not remaining the same, okay. So adsorption us rate se nahi hota hai gas ka jis rate se aapka pressure badh raha hota hai. To ye graph yahan se मोल्ड होना चालू होता है ना, ओके. और अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई प्रेशर रीजन में पहुंच गए हम लोग, ओके, सो हाई प्रेशर रीजन में क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन की जो वैल्यू होगी एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, वेरी हाई, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट दैट विल टच, है ना. तो उस केस में क्या होगा, x by m will be almost pressure to the power almost 0, okay. So then x by m becomes constant with pressure, okay. So यहां पे जब pressure की value बहुत ज्यादा high होगी तो ये amount जो है x by m almost stagnant हो जाता है, है ना. और यहां पे जो है आपका pressure fold होगा, क्योंकि इस region में moderate pressure region है और वहां पे जो value होगी वो 1 और इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी, है ना, ओके. तो
ये अपन का फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ नंबर टू है दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. एक्चुअली ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का ही है लेकिन उसमें एक रिएक्शन को भी इंक्लूड करा दिया ऑर्गेनिक का. तो अपन को पता है यहां पे कि जो कंपाउंड है दैट इज व्हाट दिस इज ओएमई है ना. और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी रिएक्शन का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ओजोनोलिसिस के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा यहां पे इसके साथ बेंजल्डिहाइड बनेगा साथ में आपका पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा सॉरी मेटा मिथॉक्सी दिस इज व्हाट मेटा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है ना. ओके नाउ दिस मेटा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड और आपका बेंजल्डिहाइड बना. रिएक्शन में ये दे रखा है कि 40% इज द यील्ड और इसका मॉलिकुलर मास हम लोगों को दे रखा है 210 ठीक है ना. इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट विथ 420 ग्राम ऑफ पी पी कौन है भाई आपका ये इसका मॉलिकुलर मास कितना है 210. फिर उसके बाद हम लोगों को पूछा गया है कि द रिएक्शन यील्ड्स 108.8 मिलीग्राम ऑफ क्यू तो द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन. ये तो हमें पता है कि क्यू और आर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं. अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि क्यू कौन सा है और आर कौन सा है ना. अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो हमारा काम हो जाएगा. अगर हम इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने जाएंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 106 और इसका मॉलिकुलर मास जो होगा दैट इज एमडब्ल्यू इज 136 है ना. तो द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू चेक करते हैं जरा इसको. पहले तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट पी रिएक्टेंट पी है आपका पी के मोल्स कितने हैं हमारे पास ठीक है ना. मिली मोल्स ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू 420 मिलीग्राम या 420 ग्राम है ना. और फिर उसके बाद हमें दे रखा है क्या इसका मॉलिकुलर मास 210 तो हमारे पास 2 मिलीमोल मौजूद है ना. 2 मिलीमोल मौजूद है पी के. जब पी डिसोसिएट होगा ठीक है तो बेंजल्डिहाइड का ये एक मोल अगर पी डिसोसिएट होता है तो एक मोल आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा और एक मोल आपका मेटामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा. लेकिन यहां पे हम लोगों ने 2 मिलीमोल लिए तो अगर रिएक्शन की यील्ड 100% होती तो मिलीमोल ऑफ सपोज हम लोग ले रहे हैं कंपाउंड से एनी ऑफ देम है ना बेंजल्डिहाइड और जो है हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है मिलीमोल द रिएक्शन यील्ड 108.8 मिलीग्राम ऑफ क्यू है ना. तो क्यू अपन का मिलीमोल ऑफ क्यू वी डू नॉट नो कि क्यू इसमें से कौन सा है ठीक है ना. हम लोग थोड़ा सा वैल्यूज पुट करके देख लेंगे. मिलीमोल ऑफ क्यू है ना कितना होना चाहिए भाई 40% रिएक्शन की यील्ड है तो 40% मतलब 40 है ना. अच्छा और इसके मिलीमोल कितने बनने चाहिए क्योंकि 2 मिलीमोल बनने चाहिए. क्यू का मॉलिकुलर मास क्या है हमें नहीं पता है ठीक है ना. ओके सो मॉलिकुलर मास ऑफ क्यू इज व्हाट से एम है ना. अच्छा दीज आर द मिलीमोल्स. अच्छा अमाउंट मिलीमोल ऑफ क्यू इज इक्वल टू दिस वन. अमाउंट ऑफ क्यू कितना होगा अमाउंट ऑफ क्यू या मिलीग्राम ऑफ क्यू इज इक्वल टू व्हाट 0.4 इंटू 2 इंटू व्हाट दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 0.8 और इसमें हम लोग एम पुट करते हैं ना. अमाउंट ऑफ क्यू इज व्हाट अमाउंट ऑफ क्यू आपका कितना आ रहा है 108.8 मिलीग्राम है ना. और ये कितना आ रहा है 0.8 इंटू मॉलिकुलर मास ठीक है ना. सो मॉलिकुलर मास ऑफ क्यू इज इक्वल टू व्हाट 108.8 डिवाइडेड बाय 0.8 दैट कम्स आउट टू बी 136. इसका मतलब ये है कि क्यू जो है उसका मोलर मास कितना आ रहा है 136. 136 कौन सा है हमारा दिस मस्ट बी द क्यू मेटामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड मस्ट बी व्हाट क्यू. तो आर क्या होना चाहिए अपना दिस मस्ट बी आर बेंजल्डिहाइड मस्ट बी आर. तो अब बेंजल्डिहाइड की अमाउंट कितनी होगी भाई
बेंजल्डिहाइड की अमाउंट, बेंजल्डिहाइड की अमाउंट ऑब्वियस है मोल कितने होंगे हमारे पास, अमाउंट ऑफ आर कितना होना चाहिए, अमाउंट ऑफ आर मस्ट बी व्हाट, 0.8 तो मिली मोल आए हमारे पास, 0.8 मिली मोल इंटू व्हाट, हमारे पास जो है आर का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 106, ओके, सो वी विल चेक फॉर दैट और वी विल गेट व्हाट आंसर इज 84.8 मिलीग्राम, है ना, दिस कम्स आउट टू बी द आंसर, है ना, ओके, सो अपना जो है थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम और हम लोगों को दे रखा है CuI और Ag2CrO4 का Ksp वैल्यू दे रखा है. तो CuI जो है आपका दैट इज व्हाट Cu प्लस 2 एंड I माइनस, इसका Ksp हम लोगों को दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और Ag2CrO4 का Ksp हम लोगों को दे रखा है ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Ag2CrO4 that will ionize into what twice of Ag plus and CrO4 2 minus and the Ksp value is also around 4 into 10 to the power minus 12 hai na. Suppose the solubility of copper iodide is S, so this becomes equal to the concentration of copper ion and iodide ion is what S and S, so for Cui the solubility S into S must be equal to what? Ksp, and Ksp is given as 4 into 10 to the power minus 12. So solubility becomes equal to what? 2 into 10 to the power minus 6 for Cui. For Ag2CrO4, इसके लिए कितना भाई? इसके लिए देखो, यहाँ पे अगर इसकी solubility S होती है ना? Suppose S dash होती है, तो ये 2s डैश हो जाएगा और ये s डैश हो जाएगा, है ना, तो यहां पे क्या होगा 2s डैश का स्क्वायर एंड s डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 दैट कम्स आउट टू बी 4s डैश का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 तो s डैश इज इक्वल टू व्हाट 4 कैंसिल हो गया, है ना, s डैश कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 4, है ना. अब हम लोगों को पूछा गया है द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर आयोडाइड इज डिराइव्ड एज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और Ag2CrO4 की जो हमारी सॉल्युबिलिटी आई है वो कितनी आई है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4, है ना. तो हमसे रेशियो पूछा है Cui का, मींस सॉल्युबिलिटी S फॉर Cui एंड हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी फॉर Ag2CrO4 को एस डैश माना था, मतलब Ag2CrO4 दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 दैट कम्स आउट टू बी 0.02, ओके, सो द ऑप्शन 2 शुड बी द राइट आंसर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हम लोगों को दे रखा है क्या, मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन साइक्लोहेक्सेन एंड हाइड्रोजन आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन. सी, इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले बेस पे भी कर सकते हैं या डेरिवेशन बेस पे भी कर सकते हैं. सपोज करो हम लोग डेरिवेशन बेस पे जाते हैं, हमारे पास बेंजीन दे रखा है तो इसका जब कंबसन कराएंगे तो हम लोगों के पास 6 + 6/4 दैट कम्स आउट टू बी 7.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबसन ऑफ वॉट, सो दैट कम्स आउट टू बी 6 CO2 एंड 3H2O. एंथैल्पी ऑफ कंबसन हम लोगों को दे रखा है X, ओके, X. नाउ हम लोगों को साथ में ये बेंजीन दे रखा था, है ना, दिस इज बेंजीन बेसिकली. हम लोगों को साइक्लोहेक्सेन दे रखा है C6H12. इसका कंबसन कराते हैं तो वी विल रिक्वायर व्हाट 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 CO2 प्लस 6H2O एंड इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है अपन को Y, है ना. और हम लोगों को हाइड्रोजन का भी कंबसन कराना है ना, तो ऑक्सीजन इनटू व्हाट 0.5 ऑफ O2 दैट कम्स आउट टू बी व्हाट
बिकॉज एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज डिफाइंड ओनली फॉर वन मोल, सो दैट्स व्हाई हम लोग रिएक्टेंट साइड पे जो भी लेंगे वो वन मोल ही लेंगे, है ना। तो H2O आपका एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इसका दे रखा है आपको Z मोल, है ना। अब आपको ये दे रखा है और पूछा गया है आपको क्या कि मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, आपको पूछा गया है बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, तो बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन हमें लाना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 3H2 ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम इन तीनों रिएक्शन की मदद से अगर बनाएं, ठीक है, तो हमें पहली रिएक्शन में बेंजीन लेफ्ट साइड पे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रखो, देन हम लोगों को इस रिएक्शन को जो साइक्लोहेक्सेन है उसको राइट साइड पे चाहिए, मतलब हम लोगों को सेकंड रिएक्शन का क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कराना पड़ेगा, है ना। और थर्ड रिएक्शन में हम लोगों को क्या चाहिए, थर्ड रिएक्शन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 3H2 है, तो हम लोगों ने थर्ड रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो फर्स्ट सेकंड और का इनवर्स और जो थर्ड है आपका, है ना, तो यहां पे दैट इज व्हाट एक्स प्लस, अब इस रिएक्शन को जब रिवर्स करा तो इसकी एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी, है ना, और इसको क्या होगा 3Z, ओके। सो एक्स माइनस वाई प्लस 3Z विल बी द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, है ना, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट से दे रखा है, इसमें 3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लिया है हम लोगों ने, है ना, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 डॉट 2H2O ये अपन को दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 126। 3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर व्हाट 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.9 g/ml, द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। नाउ वी आर गिवन व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.9, तो डेंसिटी आपको दे रखी है 1.9 g/ml, वॉल्यूम आपको दे रखा है 250 ml, तो अगर हम लोग इसका मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से हमारे पास 250 इनटू 1.9 दैट कम्स अराउंड 475 जो है आपका ग्राम आ गया, है ना। अब ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज बिकॉज मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो मोलरिटी के लिए हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, 475 माइनस 3 ग्राम आपको सॉल्यूट दे रखा है तो दैट कम्स आउट टू बी 472, है ना। नाउ अब हम लोगों को निकालना है इसमें मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, 1000 इनटू मास ऑफ सॉल्यूट 3 ग्राम दे रखा है अपन को, है ना, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज व्हाट 126, और यहां पे आपको जो है मास ऑफ सॉल्वेंट आपको 472 आ रहा है, 472 जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.05, है ना। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 4.472 इनटू व्हाट 126, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.05। नाउ नॉर्मलिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मलिटी जो है हमारी कैलकुलेट करने पे हम लोगों को 1000 इनटू व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट 3 अपॉन व्हाट ऑक्सैलिक एसिड 126 है आपका मोलर मास, इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोगों को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दे रखा है 250 ml, है ना, क्योंकि नॉर्मलिटी के लिए हम लोगों को वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, इसका एन फैक्टर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सैलिक एसिड हम लोग जानते हैं कि एन फैक्टर कितना होता है 2, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट कम्स आउट टू बी 0.19, सो आंसर सी शुड बी द राइट आंसर। इन अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट 10 ml ऑफ FeCl2 सॉल्यूशन इज कंज्यूम्ड, 25 ml ऑफ स्टैंडर्ड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टू रीच द इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट अगर हमें दे रखा है तो हम लोगों को इतना पता होगा इक्विवेलेंट पॉइंट पे, एट इक्विवेलेंट पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। अब K2Cr2O7 की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड K2Cr2O7 को हम लोगों ने जो प्रिपेयर करा है वो करा है
उसका मास दे रखा है 1.225 और 250 ml वाटर में प्रिपेयर करा है. कंसंट्रेशन पहले तो हम लोग क्या करते हैं, K2Cr2O7 की नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं ना. ओके, तो नॉर्मलिटी ऑफ K2Cr2O7 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. नॉर्मलिटी फॉर K2Cr2O7, K2Cr2O7 का इस रिएक्शन के दौरान जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि यहां पे K2Cr2O7 का जो एन फैक्टर होगा वो क्रोमियम प्लस 3 में जाएगा. इसका एन फैक्टर आपका आएगा 6, है ना. तो एन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसकी जो नॉर्मलिटी आ रही है सॉल्यूशन की, दैट इज व्हाट, 1000 इंटू 1.225 इज द अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 प्रेजेंट इन 250 ml. नाउ इक्विवेलेंट मास जो आएगा इसका, दैट कम्स आउट टू बी 49, है ना. हम लोग K2Cr2O7 का मास लेंगे, मोलर मास, दैट इज व्हाट, 294 अपॉन व्हाट, अपन का जो है 6 से डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है. तो हमारे पास क्या आएगा, 49 आएगा. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 0.1, और 0.1 हमारे पास आंसर आता है नॉर्मलिटी ऑफ K2Cr2O7 का. नाउ मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2, हमारे पास नॉर्मलिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ FeCl2 हम लोगों को दे रखा है 10 ml. इसकी नॉर्मलिटी हमें पता करनी है ना. और यहाँ पे K2Cr2O7, K2Cr2O7 n इंटू 10, है ना. इसकी जो नॉर्मलिटी आई हमारे पास 0.1 इंटू वॉट, हमने कितना ले रखा है वॉल्यूम इसका, 25, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, N1V1 इक्वल टू वॉट, N2V2, है ना. तो इसकी नॉर्मलिटी आपकी 0.1 इंटू 25, सो n इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, 0.1 इंटू 25 अपॉन 10, दैट कम्स आउट टू बी 0.25. सो आंसर मस्ट बी वॉट, फर्स्ट आंसर शुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये क्वेश्चन जो है आपका सॉलिड स्टेट से है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन है. तो जो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपको कि कोई एटम जो है ना ऑफ एन एलिमेंट जेड फॉर्म हेक्सागोनल HCP में अरेंजमेंट है, किसका, जेड का. तो जेड इज इन HCP अरेंजमेंट, जेड इज इन HCP अरेंजमेंट. तो हमारे पास क्या है कि लेटिस जो भी है ना, एटम एक्स जो है आपका, वो बोला जा रहा है कि ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना. तो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो एक्स और जेड जो है ना, जो भी एलिमेंट लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं HCP में, दे आर व्हाट, दे आर नंबर ऑफ, जैसे हमें पता है कि क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स इन 3D, जिसमें आपका HCP और CCP दोनों ही आता है, उसमें क्या होता है कि भाई एक एटम के करस्पॉन्डिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, है ना. तो HCP में अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो HCP में हमारे पास नंबर ऑफ जेड एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 6, है ना. नाउ और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 2, बिकॉज एवरी एटम, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एटम देयर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट. Now that comes out to be 12. So X and Z. So X or Z ka jo ratio hoga, Z 6, X 12. That comes out to be Z1 and X2. So this will be the right answer. So answer hamare paas aa raha hai. Third option should be the right option.